हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे चाउमीन। चाउमीन बनाने के लिए मैंने लिए ये नूडल्स, हाफ बॉइल नूडल्स हैं। ये पैकेट मिलता है बाजार में बना बनाया। इसको हम बॉईल करेंगे। और ये एक शिमला मिर्च है, बारीक बारीक काट ली है। ये फ्रोजन मटर है, 100 ग्राम मैंने पनीर लिया है। ये चाउमीन वाला नमक है, ये चाउमीन की शॉप पे आपको आराम से मिल जाएगा। 2 ग्रीन चिली ली है, ब्लैक पेपर लिए 2 पिंच, सोया सॉस 2 चम्मच, विनेगर 2 चम्मच। तो सबसे पहले हम उबालेंगे नूडल्स। पानी बॉईल करने मैंने रख दिया था। इन नूडल्स को मैंने उबलने रख दिया है। 5-7 मिनट में ये उबल जाएंगे, क्योंकि ये पहले से हाफ बॉईल हो रखे हैं, तो इसको थोड़ा सा ही उबालना है हमने। उसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। बीच बीच में इसको चला देंगे। नूडल्स को चेक कर लेंगे। ये नूडल्स हो गए हैं। इसको बॉईल होने में सिर्फ 5 मिनट लगे हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और इसको मैं छन्नी में छान लूंगी। ये नूडल्स को मैंने छान लिया है और ठंडे पानी से धो लिया है इसको। और थोड़ा सा हम इसमें ऑयल लगाएंगे ताकि आपस में चिपके नहीं, और इसको मिक्स कर देंगे। कढ़ाई को गर्म करेंगे। ऑयल डाल रही हूँ मैं इसमें, रिफाइंड ऑयल है ये। ऑयल गर्म हो गया है। प्याज डाल रही हूँ मैं सबसे पहले इसमें। बड़ा बड़ा प्याज डालते हैं इसमें, लंबा लंबा। ग्रीन चिली डाल दूंगी। प्याज थोड़ी सी भून गई है, मैं शिमला मिर्च डाल दूंगी। मटर डाल देंगे। डालेंगे नूडल्स, डालेंगे विनेगर। सोया सॉस, ब्लैक पेपर,
डालेंगे सॉल्ट इसमें, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे। और पनीर में सबसे लास्ट में डालूंगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पनीर डाल देंगे, चौमिन हमारी बन चुकी है। अब इसको सर्व करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। चौमिन हमारी बन गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप भी बनाइए, खाइए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।